सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। गाइस क्या आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। सो गाइस ये सेकंड पार्ट है जो हमने पहले देखा था सीरियल कंकरेंट और हमने सीम कसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत थैंक यू गाइस कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया उस वीडियो में। गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि है ना ये थियोरिटिकल पार्ट है, तो थियोरिटिकल मीन्स बहुत बोरिंग होता है और हम सब तो कोडर है, ठीक है। तो अभी आपको फोकस देना पड़ेगा क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ना, तो आप ही सोचो कि कुछ होगा इसीलिए मैं बना रहा हूँ उसको, वरना मैं ये थियोरिटिकल लेता नहीं, वरना मैं कोडिंग ही स्टार्ट कर देता कि भाई इसको इस तरीके से करना है, ऐसा करना है। ये इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है, आपको समझने में काम आएगा कि भाई ये थ्रेड कैसे वर्क करता है, ये कोई डिवाइस में मल्टीपल टास्क नहीं हो रहा है, किसमें हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं यार, तो इसलिए थ्रेडिंग तो चाहिए होगा, ये थियोरिटिकल आपको करना पड़ेगा, तो स्किप मत करना इसको, करना, ठीक है। और सेकंड चीज़, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा ना वो यार देख लेना, क्योंकि ये नहीं कई कई बार यहाँ पे सीरियल का जिक्र होगा, कंकरेंट भी होगा, तो वहाँ पे मैं अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहला वीडियो देख लो, पूरा क्लियर कर देना सब कुछ, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। ओके मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं क्यूज और थ्रेड के बारे में बात करूँगा कि डिस्पैच क्यू क्या है, मेन असिंक क्या है, मेन क्यू क्या है और बैकग्राउंड क्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखेंगे, वो सारा देखना है, और लास्ट में मैं आपको इमेज लोडिंग का एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्यूज और थ्रेड देखेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से। पहले स्टार्ट करते हैं थ्रेड से। ओके तो मल्टी थ्रेडिंग तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो। तो एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग है ना, वो क्या करेगा, अपने टास्क को स्प्लिट कर देगा और अलग अलग थ्रेड में वो असाइन कर देगा। आप देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि योर iOS ऐप इज अ प्रोसेस दैट रन्स मल्टीपल टास्क बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल थ्रेड्स। अभी ये कैसे डिपेंड होगा कि भाई टास्क जो है वो मल्टीपल थ्रेड में असाइन हो रहा है, उसके मतलब कि वो कंकरेंट हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा, तो ये ना आपके डिवाइस के CPU के ऊपर डिपेंड करता होगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, यू कैन हैव एज अ मैनी थ्रेड एग्जीक्यूटिंग एट वंस एज यू हैव अ कोर्स इन योर डिवाइस CPU। वो CPU जो आपका डिवाइस है उसमें CPU है, वो सिंगल से अगर ज़्यादा है, अगर वो मल्टीपल अगर हैंडल कर रहा है तो मल्टीपल थ्रेड जो है वो उसमें हैंडल होगा। अभी मल्टीपल थ्रेड का एडवांटेज क्या है, क्योंकि सही में यार, क्योंकि अगर एक साथ हम 4-5 टास्क कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज तो बहुत सारे होंगे ना। तो अभी इसका एडवांटेज ये है, फास्टर एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्सिवनेस और उसमें ऑप्टिमाइजेशन होगा, ठीक है। तो फास्टर एग्जीक्यूशन मीन्स कि अगर हम मल्टीपल टास्क को रन कर रहे हैं थ्रेड के अंदर, तो इट्स पॉसिबल फॉर वर्क टू बी डन कंकरेंटली, क्योंकि एक अगर फोर्थ टास्क है वो अगर लास्ट में भी होगा, फर्स्ट टास्क के वो लास्ट में हो सकता है, ठीक है, तो वो कंकरेंटली होगा, पर मल्टीपल में हम करेंगे उसको। तो ये क्या करेगा, हमारी जो एवरीथिंग है वो सीरियली होगा, फास्टर फिनिश होगा, ठीक है, फटाफट फिनिश होगा। ऐसा नहीं सीरियल एक हो जाए उसके बाद दूसरा करना, ऐसा नहीं होगा, तो क्योंकि मल्टीपल थ्रेड है ये। तो ये मल्टीपल थ्रेडिंग का कंसेप्ट समझता आप, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव तो होगा यार, क्योंकि हम जो भी यूज़र विजिबल जो वर्क है, यूज़र विजिबल वर्क, उसको हम मेन में करेंगे, ठीक है। तो अभी वो तो अपना सेट हो गया कि उसको मेन में करेंगे, तो क्या वो ऐप फ्रीज भी नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर ऐप स्लो डाउन हो रहा है और फ्रीजअप हो रहा है तो समझ लेना कि कोई एक थ्रेड, दूसरा कोई थ्रेड है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक ही यूज़ करना है अपने को, मेन क्यू यूज़ करना है। जब भी आप UI रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, UI रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, जो यूज़र से इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ को है ना आप मेन में ही करना, इतना तो याद रखना, ठीक है। ऑप्टिमाइज मीन्स क्या होगा कि पॉसिबल यूज से वो हाईली ऑप्टिमाइज होगा, जो भी बेस्ट यूज होगा ना वो उसको यूज़ करेगा। मैं आगे दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, अभी ना इसको ध्यान में रखना। अभी ये क्या है पता है, ये ऐसा बोल रहा है, मैंने ऐसा लिखा है कि अभी आपको अच्छे से थ्रेड के बारे में पता चल गया तो आप अपने आप से क्रिएट करोगे उसको, यूज़ कर अपने हिसाब से करोगे, पर ऐसा नहीं होगा कि रियलिटी में क्या होता है, ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं है, वो है ना वो ओएस खुद से थ्रेड वो सब हैंडल करता है। आप अपने ऐसा नहीं कर सकते भाई तू पहले जा, फोर्थ वाला फिर जा, फिर थर्ड, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से ओएस ही हैंडल करेगा, तो वो अपने अपने में नहीं है वो, ठीक है, तो वो एक याद रखना। ओके अभी हम बात करें डिस्पैच क्यू के बारे में। अगर समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मल्टी थ्रेडिंग है,
जो डिवाइस के सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है, टास्क स्प्लिट करेगा तो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, रिस्पॉन्सिव एकदम मस्त होगा और ऑप्टिमाइज होगा वो, ठीक है। अभी डिस्पैच क्यू के बारे में बताता हूँ मैं। ओके, तो द वे यू वर्क विद द थ्रेड्स इज बाय क्रिएटिंग अ डिस्पैच क्यू। व्हेन यू क्रिएट अ क्यू, द ओएस विल पोटेंशियली क्रिएट एंड असाइन वन और मोर थ्रेड्स टू द क्यू। इफ एग्जिस्टिंग थ्रेड आर अवेलेबल दे कैन बी रीयूज, इफ नॉट देन ओएस विल क्रिएट देम एज नेसेसरली। डिस्पैच क्यू हम जब यूज करेंगे तो जब हम टास्क जो हम क्यू को असाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई थ्रेड ऑलरेडी रनिंग में ही है, क्योंकि हमारा कोई टास्क है शायद, तो वो थ्रेड में रनिंग है, तो क्या करेगा, वो थ्रेड को रीयूज कर देगा, वो दूसरा थ्रेड नहीं बनाएगा, वो उसको ही रीयूज कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई कोई थ्रेड नहीं है, तो वो खुद से ओएस खुद से क्रिएट कर देगा, तो वो अपने एंड में नहीं है, वो खुद से ओएस मैनेज कर देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको पूछे कोई कि भाई हमने टास्क को दे दिया तो थ्रेड कैसे वर्क कर रहा होगा, तो आप बोल देना अच्छे से, वो ओएस के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रेड होगा रीयूज, नहीं होगा क्रिएट। ओके, अभी डिस्पैच क्यू को कैसे क्रिएट करना है, एकदम सिंपल है वो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि लेबल है, लेबल इसलिए है क्योंकि बहुत सारा डिस्पैच क्यू होगा ना, तो आप जब प्रिंट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये लेबल आपको देख के आएगा कि भाई लेबल का ये क्यू था ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि वो यहाँ पे रनिंग मोड में है। तो लेबल ऐसे लिखना और डिस्पैच को ऐसे बनाना, अपने डायरेक्ट मेन ऐसा करते हैं ऐसा मत करना, ऐसे क्यू बनाना। तो क्या इस क्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप रन कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी, पता है क्यू बनाया था, उस क्यू में मैंने दो टास्क रन किए थे, सिंक असिंक, और ऐसे हम टास्क को हम रन कर रहे थे, ठीक है। तो अभी है ना, देखो ये लेबल पे मैंने क्या लिखा है, कॉम डॉट कंपनी डॉट एप, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है लेबल में, कॉम कंपनी का जो नाम है वो और ऐप का नाम है वो, ऐसे लेबल लिखना, वरना UUID भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट होता है ना, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि कॉम डॉट कंपनी डॉट ऐप ऐसे लिखना, और यू कैन सिंपली यूज़ UUID, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि वो टैक्स है ना, वो थोड़ा लाइक डिफरेंट रखना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए, ठीक है, यूनिक रखना है, या यूनिक रखना। ओके, ठीक है, अभी मेन क्यू के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा तो बताया था कि भाई मेन क्यू हम यूज़ करेंगे जब हमें QI को अपडेट करना हो, तो इसको मस्त देखना। अभी जब भी ऐप स्टार्ट होगा तो मेन डिस्पैच क्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा अपने लिए एप्पल, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अपने को क्लास उसका होगा अलग से, डिस्पैच क्यू डॉट मेन, तो वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जब भी एप्पल ने उसको अवेलेबल कर दिया एज अ क्लास वेरिएबल, तो आप देखना कि एप्पल ने एज अ क्लास वेरिएबल मेन को असाइन किया, तो इस तरीके से आपको बोलना है और इस तरीके से उसको याद रखना है, एकदम डिटेल में देखना है, ठीक है। ऐसे लिख दिया डिस्पैच क्यू डॉट मेन, पता नहीं कहाँ से क्यू है, ठीक है, तो वो है ना यार डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप ऐप स्टार्ट करते हो। तो ऐसे सीखना है उसको, पूरा डिटेल में उसको पढ़ना। ओके, मैंने जैसा लिखा है ऐसा ही आप देखना, तो वो अपने को डायरेक्टली वो मिल जाएगा। अभी एक चीज़ है यार, वो सिंक्रोनाइजली होगा, ठीक है, सीरियली वर्क करा होगा वो, क्योंकि वो एक साथ मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता, वो सीरियल होगा और मेन क्यू होगा। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट्स अ सीरियल क्यू दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर UI, और वो डायरेक्टली एज अ मेन क्लास से डायरेक्टली आप डिस्पैच क्यू डॉट मेन यूज कर सकते हो, और मेन जो है वो क्लास है जो एप्पल हमें पहले से ही प्रोवाइड करके रखता है, ठीक है। अगर कुछ गलत, अगर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वॉन्ट टू एग्जीक्यूट समथिंग सिंक्रोनाइजली, तो वो नहीं होगा, सॉरी मैंने ऐसा बोला सिंक्रोनाइज, ऐसा नहीं, वो असिंक होगा। अगर आप सिंक्रोनाइजली उसको कर रहे हो ना, तो वो ब्लॉक कर देगा UI को, ठीक है। आप याद करो, जब भी हम API कॉल करते हैं या डेटा हम लाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और उसमें हम UI अपडेट करते हैं, टेबल या कलेक्शन को हम रीलोड करते हैं। तो ये याद रखना कि वो असिंक्रोनाइज होगा, वो सीरियली परफॉर्म कर रहा होगा, और वो UI अपडेट करने के लिए हम मेन का यूज़ करेंगे, तो ऐसा याद रखना, ठीक है। और थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि सीरियल और कंकरेंट के बारे में, टू टाइप्स के जो क्यूज होते हैं, तो वो डिफॉल्ट इनिशियलाइजर होता है वो सीरियल क्यू होता है। मैंने दिखाया था, मैंने एट्रीब्यूट लिखा था और डॉट कंकरेंट लिखा था। अगर हमें एट्रीब्यूट में नहीं लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो एज अ सीरियल होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीक है एक मेरे पास, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कंकरेंट बनाना है क्यू को, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप देखो यहाँ पे मैंने किया है, ये जो लेबल हमने जैसे पहले बनाया था वो लेबल यहाँ पे डाल दिया, और एट्रीब्यूट मैंने कंकरेंट कर दिया, ठीक है। अभी ये एट्रीब्यूट वाला मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ लेबल लिखूंगा ना, तो वो सीरियल होगा। ओके, समझ गए, सिंपल सी चीज़ है, ऐसे हमको उसको डिफाइन करना है। ओके,
और ये लेबल वाला इस तरीके से यूनिक ही लिखना, ठीक है? ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको QoS बताऊंगा कि QoS को कैसे यूज करना है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ओके, इसमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये थ्रेड और क्यू तो है ना थोड़ा सिंपल है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कब किस तरीके से किस जगह पे हमें उसको यूज करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, अभी पहले तो जो डिवाइस है तो उसकी एनर्जी होगी, उसके रिसोर्सेस होंगे जब थ्रेड चालू होगा तब। तो ऐसा करना है कि हाई प्रायोरिटी जो टास्क है वो फास्ट होने चाहिए, जो मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है वो फास्ट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली यार उसको ही रिसोर्सेज ज्यादा जाने चाहिए, उसकी एनर्जी ज्यादा जानी चाहिए, ठीक है? अब भाई ऐसा हो गया कि भाई लोअर प्रायोरिटी वाला ज्यादा एनर्जी ले रहा है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज ये बता रहा है, ठीक है, कि जब आप QoS का यूज करोगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप उसको प्रायोरिटी सेट करो भाई, कि तू पहले होना यार, ठीक है, तू रिसोर्सेज ले ले, तू एनर्जी ले ले, ठीक है? तो इसको ये मैंने वही यहाँ पे लिखा है। तो अभी आपको QoS कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पे देखो लिखा dispatchq.global.qos और यहाँ पे मैंने लिखा है यूजर इंटरएक्टिव। अभी 6 टाइप के हैं टोटल, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको समझ लेना सिर्फ पॉज करके। ओके, इफ यू जस्ट नीड अ कंकरेंट क्यू बट डोंट वॉन्ट टू मैनेज योर ओन, यू कैन यूज ग्लोबल क्लास मेथड्स डिस्पैच क्यू टू गेट वन ऑफ द प्रीडिफाइंड ग्लोबल क्यूज। तो इसको हम यूज कर सकते हैं जब आपको जब अपने हिसाब से नहीं करना है और एज अ कंकरेंट क्यू करना हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। और ग्लोबल की बहुत मस्त चीज है, ग्लोबल क्यू यूज करना, मैं यूज करता हूँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है, मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एप्पल ने हमें 6 क्वालिटी के सर्विस क्लासेस दिए जैसे मैंने आपको बोला। अभी ये दो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक यूजर इंटरेक्टिव, ठीक है। तो यूजर इंटरेक्टिव कब यूज करना है, तो जब भी कोई यूआई रिलेटेड वर्क है जैसे कि एनिमेशन है, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ यूआई अपडेट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आपको फास्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूआई अपडेटिंग कैलकुलेशन एनिमेशन और एनीथिंग नीड टू कीप द यूआर रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट, और हमें डायरेक्टली वो इंटरेक्ट भी कर रहा है वो यूजर उसको, तो तब हमें यूजर इंटरेक्टिव रखना है इन सारे केसेस के अंदर, तो इसको याद रखना। अभी कई बार ऐसा होगा कि वो क्विकली नहीं होगा और थिंग्स में अपियर टू फ्रीज, टास्क सबमिटेड टू दिस क्यू शुड कम्प्लीट वर्चुअली, तो वो वर्चुअली कम्प्लीट होगा यार, वो अपने तो कर नहीं कर, वो OS से हो रहा है वो, तो आई थिंक वो नेट के स्पीड पे ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा, तो वो वर्चुअली हो रहा है वो। तो कई बार ऐसा होगा कि वो फ्रीज हो सकता है, उसके चांसेस है जब आप यूआई अपडेटिंग ऐसा आप यूजर इंटरेक्टिव से कर रहे हो, तब तो कई बार ऐसा होगा। ओके, तो वो आप टेंशन मत लो, वो OS से है तो वो अपने एंड से नहीं है वो। ओके, अभी आता है यूजर इनिशिएटेड, ये भी बहुत मस्त है। यूजर इनिशिएटेड क्या है पता है, कोई भी यूआई जो है हमें बहुत जल्दी चाहिए यार, एकदम फटाफट चाहिए, फ्यू सेकेंड होने चाहिए, बहुत कम ही सेकेंड होने चाहिए, जैसे कि मैंने क्लिक किया और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया डायरेक्ट। फिर हम कई बार क्या करते हैं पता है, PDF हम लोकल में हमारे स्टोर होती है और PDF को हमें दिखाना है, तो तब आप यूजर इनिशिएटेड यूज करो, भले ही मल्टीपल PDF हो, कोई नहीं, वो फटाफट उसको दिखा देगा। देखो मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वो असिंक्रोनस होगा, ऑब्वियसली वो असिंक्रोनाइज ही होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल टास्क करोगे तो वो डायरेक्टली उसको जल्दी से होना है तो सिंक होगा तो वो ब्लॉक कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो वो एज असिंक्रोनाइजली होगा। पहले तो UI को एकदम फटाफट अपने को इमीडिएटली हैपन करना है, उसको यूजर को वेट नहीं करना है, तब होगा। बहुत ज़्यादा सेकेंड, कम ही सेकेंड में अगर आपको करना है तब आप यूज़ करोगे। यहाँ पे यू मे नीड टू ओपन डॉक्यूमेंट और रीड फ्रॉम लोकल डेटाबेस। ओके, इफ द यूजर क्लिक द बटन दिस इज प्रॉबली द क्यू यू वॉन्ट, टास्क परफॉर्म इन दिस क्यू शुड टेक फ्यू सेकेंड और लेस टू कम्प्लीट। ओके गाइज, दो है, यूजर इंटरेक्टिव और यूजर इनिशिएटेड, दोनों UI के लिए यूज होते हैं। ज्यादा फास्ट अगर हैपन आपको फटाफट करना है तो यूजर इनिशिएटेड को यूज करना है, बाकी आप यूजर इंटरेक्टिव को यूज कर सकते हो। वो क्यू में आपका टास्क होगा तो कई बार वो फ्रीज हो जाएगा यूजर इंटरेक्टिव में, ठीक है। कुल टोटल 6 है, मैंने 2 बताया यहाँ पे, इसको पॉज कर दो और देखना शांति से, थोड़ा नोटबुक बना देना यार, ऐसा कुछ है नहीं है, बना देने का नोट भाई, सीखना हो तो, ठीक है। अभी यूटिलिटी तो बहुत बार देखी है आपने। ओके, यूटिलिटी ज़्यादातर हम नेटवर्किंग में IO में यूज़ करते हैं, इनपुट आउट जैसा होता है, और बहुत लंबा जो टास्क होता है उसमें हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, द सिस्टम ट्राइज टू बैलेंस रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस विद द एनर्जी एफिशिएंसी, टास्क कैन टेक अ फ्यू सेकंड टू अ फ्यू मिनट्स इन दिस क्यू, क्योंकि ऑब्वियसली यार, क्योंकि वो टास्क ज़्यादा बड़ा ही होगा,
हम API कॉल कर रहे हैं, ना डेटा ला रहे, सिंक कर रहे, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको यूटिलिटी यूज करना है, वो टाइम ज्यादा लेगा, तो हम इंडिकेटर भी रख देंगे। मैं आपको एक अभी कोड बताऊंगा, मैंने प्रीवियस भी किया था, एक डिस्पेच क्यू लूंगा यूटिलिटी का, उस यूटिलिटी का एक डिस्पेच क्यू बनाऊंगा इसका, QoS का, उसमें मैं है ना मेरा नेटवर्क का कोड रखूंगा, जैसे URL सेशन से कुछ फैच कर रहा वो सब लिखूंगा, फिर उसके अंदर एक डिस्पेच क्यू लूंगा मेन का, उसमें मैं अपनी UI अपडेट कराऊंगा, जैसे कि कोई सेकंड जो है सेकंड जा रही है कि 10% हो गया, 20% हो गया, ऐसा कुछ है, तो वो मैं मेन क्यू में करूंगा, क्योंकि वो UI है यार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि UI क्या होता है और लॉजिक क्या होता है। मैं आपको वो तो बता दूंगा कि आपको UI कहाँ पे रखना है और लॉजिक को कहाँ पे रखना है। जैसे कि लॉजिक के लिए QoS है, UI के लिए मेन है, तो ये जो चीज़ है ना वो बेसिक चीज़ है, उसको तो माइंड में रखना ही रखना। अगर कोई भी बंदा आपको थ्रेड के बारे में या क्यू के बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपको पूछे, तो आप इतना तो बोल सके कि भाई वो मेन में UI होगा, बाकी QoS हैंडल करेगा अपने लॉजिक के लिए, और एक के अंदर दूसरा डिस्पैच हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ है, उसको आप याद रखना। ओके, और आगे जाते हैं बैकग्राउंड। अभी ये बस्त है, ये मैंने यूज़ किया है यार, मैंने एज अ पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने इसको यूज़ किया था जब एक इंस्टाग्राम जैसी ऐप थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि 10 वीडियो आ गए थे, तो स्क्रॉल करने पे और वीडियो आने थे, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वीडियो का मुझे थंबनेल चाहिए था, वो थंबनेल इमेज नहीं थी अभी, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्यों नहीं थी, एक्चुअल में होनी चाहिए थी, नहीं थी, तो वो अपने एंड से करना था कि जो भी वीडियो है तो वो वीडियो का थंबनेल वो कर देगा, कोड मिल जाता है स्टैक ओवरफ्लो में कि URL वीडियो की URL से थंबनेल हो जाएगा। बट जब नहीं हुआ, जैसे कि उसको टाइम लग गया, तो वो एज अ प्लेस होल्डर इमेज वो दे देगा, तो एक वो तो ऐसे तो मस्ती चल रहा था, पर जब आप एकदम से स्क्रॉल कर कर करो तो वो क्रैश हो जाती थी, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसे हमने पहले तो ऐसे ही मैंने डिस्पेच में लगा दिया था हम लोगों ने, तो पहले तो ऑलरेडी 10 इमेज आ रही है, ओके, हम लोड कर रहे हैं, उसमें वो थंबनेल इमेज को ले रहा है, कितने सारे टास्क एकदम एक साथ चलने लगे, तो वो तो हमने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था कि भाई ऐसा सिंक तू कर या सिंक कर, वो क्रैश हो रही थी। फिर मैंने क्या किया कि जो बैकग्राउंड में मैंने है ना वो थंबनेल वाला कोड मैंने बैकग्राउंड में रख दिया, कि उसको भले ही कितना भी टाइम लगे, बट वो UI तो या फ्रीज ना हो या क्रैश नहीं होनी चाहिए ना, वो थंबनेल के हिसाब से क्रैश होता, क्योंकि यार आप सोचो, उसको लॉजिक सोचो, 10 इमेजेस का वो UI उसका थंबनेल वो ले रहा है, उसने और स्क्रॉल कर दिया 2-3 बार, अभी 40 हो गए टोटल, ठीक है, इमेजेस वो 40 डेटा हो गए, उसके थंबनेल कैसे वो ले रहा होगा, और वो कुछ कर रहा है UI में, ऐसा ऐसा कर रहा है, दूसरे स्क्रीन में जा रहा है, तो वो निकल ही जाएगी भाई, अपने से तो नहीं होगा यार। तो मैंने तब बैकग्राउंड यूज़ किया था, मैंने जो थंबनेल की इमेज थी वो मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया था, कि भाई जो कोड है ना वो बैकग्राउंड में होगा, तो वो जब भी होगा हमें एरे में मैंने डाल दिया, तो वो ऐसे ही रिलोड हो जाएगा, फिर अगर एरे में होगा इमेज तो वो एज अ वो थंबनेल इमेज लेगा, वरना वो प्लेस होल्डर लेगा, तो वो क्रैश नहीं हो रही थी वो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लेगा, मिनट और मोर, क्योंकि ये ऐसा टास्क है जो सिर्फ एनर्जी एफिशिएंस और स्पीड इंस्टेड ऑफ स्पीड में डिपेंड करेगा वो, ठीक है, सॉरी, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं, वो उसको ज्यादा फटाफट नहीं चाहिए, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा वो। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दे डोंट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन, आरन टाइम सेंसिटिव, ओके, क्योंकि वो ऑब्वियसली यार उसको क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बस ये सारी चीज़ को बैकग्राउंड में करना है, क्योंकि ये सब अगर हम मेन में करेंगे या एज अ यूटिलिटी या यूजर इंटरेक्शन ऐसा करेंगे तो वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज टास्क हो गया ना, इसलिए। तो आई होप कि समझ गए होंगे मेरे एग्जांपल से, ठीक है, तो मैं और आगे जाता हूँ। अभी बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट और अनस्पेसिफाइड की। अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि यार मैंने QoS डिफाइन ही नहीं किया तो क्या होगा, मैंने QoS को डिफाइन ऐसे डिस्पेच क्यू, तो वो एज अ डिफॉल्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैंने मेरे को QoS नहीं डिफाइन करना, तो वो एज अ कौन सा QoS यूज़ कर रहा होगा अभी डिफॉल्ट एज ए 6 में से, तो वो एज अ डिफॉल्ट यूज़ कर रहा होगा। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको इस दोनों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, पहले से बता देता हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसको जानना ज़रूरी है कि भाई ऐसा भी है टोटल, पर इसको नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, दूसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जागो, हाँ, नहीं यूज़ करना है, सुन मत यार, सो मत जाए यार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्या है कि डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, वो यूज़र इनिशिएटेड और यूटिलिटी दोनों के बीच का है, ऐसा सोचो, ऐसा है वो, ठीक है, दो थोड़ा यूज़र इनिशिएटेड है, थोड़ा यूटिलिटी है। और अनस्पेसिफाइड जो है ना वो
लाइक एपीआई जो लेगेसी एपीआई होती है वो सपोर्ट करने के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने को जानने के लिए, ठीक है, इसको यूज मत करना। मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, बट इफ़ यू आर यूजिंग देम यू आर ऑलमोस्ट सर्टेनली डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये छः है, इसको यूज नहीं करना है। यूजर इनिशिएटिव, यूजर इंटरेक्टिव, बैकग्राउंड और यूटिलिटीज, चार को यूज करना है। और आई होप कि आपको ये छः क्यूएस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हो गए ना, ठीक है, थैंक यू। और नहीं हो तो देखना और कमेंट करना मेरे को, ओके। इसको जाने मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। और ग्लोबल क्यूज जो होते हैं ना वो कंकरेंट होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो भी हम ग्लोबल क्यू यूज कर रहे हैं, ग्लोबल मीन्स क्यूएस, ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप अपनी ओन तरीके से अगर आप क्यूएस को बना रहे हो, कंकरेंट डिस्पैच क्यू को, तो देखो यहाँ पे लेबल होगा, जो अपने लेबल वो नाम लिखते हैं वो, यहाँ पे क्यूएस डिफाइन किया, इसने यूजर इनिशिएटेड लिखा है, ठीक है, और कंकरेंट, ओके। अभी ओके, सॉरी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पीछे, जल्दी से बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, एक चीज़ दिखानी थी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यूज़र इनिशिएटेड मतलब ये वाला यूज़ किया था, तो वो याद रखना, ठीक है। ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट याद रखना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना हो तब यूज़र इनिशिएटेड यूज़ करना है। यूटिलिटी नहीं, बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद हमने डिफॉल्ट और स्पेसिफाइड देख लिया। ये इसके एग्जांपल के लिए मैं पीछे गया था, इसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़र इनिशिएटेड लिखा था, तो वो फटाफट अपने को करना है, वो सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा वो। इसके लिए वो लेबल है, यूज़र इनिशिएटेड है, और वो कंकरेंट है, मीन्स लाइक मल्टीपल वो एकदम थ्रेड लेगा वो, ठीक है, एकदम से डिवाइस के हिसाब से, सीपीयू के हिसाब से, ओके। अभी क्या है, गलत है थोड़ा, चलेगा अभी। अभी एडिंग टास्क टू क्यू, अभी टास्क को क्यू में कैसे ऐड करना है अपने को, तो यहाँ पे डिस्पैच क्यू प्रोवाइड बोथ सिंक एंड असिंक, वो अपने को पता है, क्यू डॉट सिंक और असिंक दोनों आता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे टास्क मीन्स वॉट एवर ब्लॉक ऑफ कोड यू नीड टू रन, जो आप जब डिस्पैच को डॉट मेन डॉट असिंक लिखते हो, असिंक लिखते हो, उसके जो ब्लॉक है वो ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी चीज़ है उसको हम टास्क कहते हैं, ठीक है, जो भी लॉजिक है, वॉट एवर आपने जो भी लिखा है वो, ठीक है। When your app start, for example, you may need to contact your server to update the app state. Start है, running है, end है, वो भी जो भी वो state होते हैं वो. That's not user initiated. Doesn't need to happen immediately. At the end, depends on networking IO. So you should send it to the global utility queue. Nice. ठीक है, कि इसमें कुछ यूजर तो कुछ, उसको तो कुछ काम है नहीं कि भाई ये वो उसको नोटिफिकेशन भेजा, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो नेटवर्किंग वो भी नेट के ऊपर डिपेंड करेगा, एपीआई के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़, तो ऑब्वियसली हम उसको यूटिलिटी में यूज़ करेंगे, तो वो ऐसा मैंने लिखा है, ये एक सीनारियो है, ठीक है सिर्फ। और ये रहा उसका एग्जांपल, तो मैं वही बता रहा था, मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे मैंने डिस्पैच क्यू लिया है, क्यूएस मैंने यूटिलिटी लिखा है, ठीक है, और ये मैंने असिंक टास्क किया है, ओके। ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, तो मैं ये थोड़ा टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, तो मैं बनाने वाला वीडियो, तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने परफॉर्म योर वर्क हियर मींस लाइक आपको लॉजिक लिखना है, यूआरएल सेशन डॉट सेशन करके जो डेटा टास्क हम लिखते हैं ना, वो लॉजिक आप नेटवर्किंग का यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हम मेन क्यू में स्विच हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरी अपडेट होगी यूआई डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक। आप सबको पता है कि यूआई जो मेन में अपडेट होगी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वो, जैसे कि ये हो जाएगा तब लाइक न्यू म्यूजिक अवेलेबल ऐसा कुछ भी लेबल प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप अच्छे से देखना, ये एक डिस्पैच क्यू का जो ब्लॉक है उसके ब्लॉक के अंदर मैंने इसको लिखा है, तो उसको बाहर मत लिख देना मेरे भाई, ठीक है, उसको अंदर लिखना, समझना इसको, कि पहले टास्क खत्म होगा, फिर वो मेन क्यू मेन जो है वो एज ए यूआई खत्म करेगा, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड ऐसे रन होता है, तो डिबग रख के देखना, ठीक है। वैसे मैं अभी ईमेल लोडिंग में बताने वाला हूँ, बट इसको ऐसे आप याद रखना है ऐसा, ठीक है। तो इसमें एक डिस्पैच क्यू के अंदर दूसरा डिस्पैच क्यू है, बट एक लॉजिक के लिए है और एक यूआई के लिए है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि हम लोडिंग एग्जांपल के बिले में बात करेंगे कि हम कैसे इमेज लोडिंग को हम एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इमेज लोडिंग का एग्जांपल देखेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्पैच क्यू दो तरीके से हमने यूज़ किया था,
तो यहाँ पे भी मैं सेम कर रहा हूँ। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने एज ए यूटिलिटी यूज किया है क्योंकि मैं इमेज को डाउनलोड करने वाला हूँ यूआरएल में से, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बंच ऑफ यूआरएल नहीं लिया, मैंने एक ही यूआरएल ली है। तो ये एक यूआरएल से मैं इसको मल्टीपली ऐसे ही कर दूंगा, जैसे कि इसको 2 बार 3 बार डाउनलोड कर दूंगा सेम यूआरएल से सेम इमेज। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे मैंने यूटिलिटी लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ये नेटवर्किंग का कोड है, तो नेटवर्किंग कोड है तो ऑब्वियसली मुझे मुझे यूटिलिटी यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे वो यूआरएल रख दिया है, ठीक है, एचटीआर यूआरएल, जो यूआरएल है मेरी इमेज की, वो उसमें से मुझे डेटा मिलेगा, उस डेटा को मैं एज अ इमेज कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इमेज मिल जाएगा, ये सिंपल एकदम। अभी इस इमेज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये यूआरएल जो है ना वो मेरा यूआई इमेज का एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस जो भी इमेज होगी, पहली दूसरी तीसरी, वो इमेजेस यहाँ यूआरएल में आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने स्विच करके मेरा कलेक्शन व्यू है वो ऑब्वियसली हमारी यूआई है, तो वहाँ पे रीलोड करके हमें दिखाना है, तो मेरी जो यूआई है उसको मैंने एज ए कलेक्शन व्यू को रीलोड कर दिया। और ये सिंपल वही हमारा सेल्फ और रो का कोड है, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल का काउंट है, इमेज व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इमेज होगी उसको मैंने सेल के इमेज को दे दिया, इतना ही किया है। अभी ये 2 लाइन का जो कोड है ना गाइस, ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इमेज होती है, तो कभी कभी वो क्या फ्रीज होती है, थोड़ी अच्छे से स्मूथ नहीं चलती वो। तो ऐसा अगर आपको इश्यू हो रहा है कलेक्शन व्यू में या टेबल व्यू में, तो आप ये दो लाइन लिख देना, तो उससे क्या होगा कि वो स्मूथ चलेगा, ऐसा हैंग नहीं होगा पूरा, ठीक है, स्क्रॉल करने में। तो ये 2 लाइन वो है, और ये लेआउट है, मेरे को 2 ही चाहिए, तो 2 2 2 इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे विड्थ डिवाइड बाई 2 कर दिया, हाइट में मेरे को 4 चाहिए, तो ऐसा मैंने यहाँ पे डेलीगेट फ्लो लेआउट लिखा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, और नहीं पता हो तो मेरा कलेक्शन व्यू का वीडियो देखना आप। और यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में मैंने कलेक्शन व्यू लिया है, ये रहा कलेक्शन व्यू, और ये सेल है, और इसके अंदर मैंने एक इमेज ली है, ठीक है। और ये जो सेल है वो सेल का नाम मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कलेक्शन व्यू सेल दिया है, और फाइल का नाम भी सेम ही है। और ये रही कलेक्शन व्यू सेल की फाइल, उसमें मैंने इमेज लिया है सिर्फ, उसका नाम इमेज रखा है मैंने, ठीक है, इतना ही किया है। और ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा था इसको, इसको निकाल देता हूँ। ओके, कोई नहीं, मैं यहाँ पे इमेज व्यू को मैं देने वाला हूँ, ठीक है, ये कोड का कोई मतलब नहीं है, ओके। मैं इमेज व्यू को मैंने डायरेक्टली असाइन किया है यहाँ पे सेल्फ और रूम में, तो इमेज व्यू डॉट इमेज, उसमें डायरेक्टली ये जो भी इमेज होगी वो चली जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मेन अपना इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है गाइस, कि पहले तो हमने यूटिलिटी यूज करके यहाँ पे हमने अपना टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपेंड किया है, और उसके बाद मैंने इस यूआई को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि पहले तो एज आपने हमने ने ग्लोबल ले लिया है, हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करनी है, हमने यूटिलिटी एज असिंक यूज किया है, ठीक है। ये वीक सेल्फ है ना, ये थोड़ी बड़ी चीज है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेमोरी का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट करके जो भी इमेज है उसको यूआरएल दे दिया, और कलेक्शन को मेन में हमने असिंक में हमने रीलोड कर दिया। और यहाँ पे मैंने डाउनलोड विथ यूआरएल सेशन, यहाँ पे मैंने फॉर लूप घुमाई है कि भाई इसको 2 बार तू मेरे को दिखा देना, ठीक है, 0 और 1 में से 2 हो गया। तो अभी उसको मैं रन करता हूँ, मैंने विथ डिवाइड बाई 2 रखा था, तो 2 इमेज आनी चाहिए अभी, यहाँ पे 2 अपनी आ गई, ठीक है। तो ये रही मेरी यूआरएल। अभी यहाँ पे मैं जैसे कि मैं 21 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग के लिए मैंने यूटिलिटी यूज़ किया है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ यूआई के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, ठीक है। ये हमारी इमेजेस आ गई, इसको आप धीरे से देखना, सब कुछ सब अच्छे से लोड हो रहा है, देखो धीरे धीरे आप करोगे ना तो, ठीक है। अभी मैंने शायद 21 की थी, इसको अभी अपने डायरेक्टली फटाफट अपने स्क्रोल कर देंगे सिर्फ देखने के लिए क्या हो रहा है उसमें। हम स्क्रॉल करें तो भी इमेजेस सारी आ रही है, ठीक है, देखा। तो अगर ऐसा होगा, अगर शायद ऐसा हो सकता है कि ये इमेज में नहीं हो रहा है ऐसा, बट मुझे पता है कि कोई सिनेरियो ऐसे होते हैं जब कभी कभी हमें इशू करते हैं, ये जो इमेजेस है ना वो वाइट आएगी, वाइट एकदम, वो इमेज नहीं आएगी, तो आप प्लेस ऑर्डर रख सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो कि ये अभी मैंने जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा है मेरा सेल्फ कलेक्शन फ्लो लेआउट में, देखा हाइट डिवाइड बाई 4 रखा है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे को 4 ही दे रहा है सेल, ओके, और विथ डिवाइड बाई 2 रखा है मैंने, तो मेरे को 2 दे रहा है। तो आपको पता है कि एक बार में 8 इमेज आ जाएगी मेरी, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हो, अगर आपको 10 का बंच रखना है तो आप 10 यहाँ पे ऐसे 5 कर देना, तो यहाँ पे ऐसे 10 इमेज पहले आ जाएगी, फिर जब स्क्रोल कर रहे हो तब स्क्रोल करने के बाद दूसरी 10 इमेज को लोड कराना, ऐसा भी ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मेन मोटिव अपना यही था
कि मैंने यहाँ पे डिस्पेच के अंदर एक डिस्पेच यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे अपडेट करना था मेरा यूआई जो मेरा कलेक्शन व्यू है, और यहाँ पे मैंने यूटिलिटी यूज़ किया क्योंकि वो नेटवर्किंग के लिए है, और मैंने असिंक यूज़ किया है। तो मेन गाइस ये मेन फंडा ही है, ठीक है। कलेक्शन व्यू सेल वो आपको पता था यार, इसलिए मैंने वो सब करने पे मैंने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसको मैंने परफॉर्म करके आपको मैंने दिखा दिया। ओके, अगर यहाँ पे आपको कुछ क्वेरी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, और मेरे प्रीवियस वीडियो कलेक्शन व्यू के है, एपीआई के भी है, तो वो देखोगे ना तो इसमें मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस ये है, हमने यहाँ पे यूटिलिटी विथ असिंक यूज करके हमने मेन यूज किया है एज अ यूआई के लिए। डन। नंबर ऑफ सेक्शन जो आ रहा है उसका काउंट और इमेज को दे दिया, ये दोनों स्क्रोल के लिए है। ओके, और ये कलेक्शन में फ्लो लेआउट है, ये तो कोई ऐसा कुछ बात नहीं इसमें, तो ये तो मैंने ऐसा ही किया था। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा और थियोरिटिक में पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, उसके कितने 6 टाइप कौन कौन से है, वो सब आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा अभी, ठीक है। तो हमने आज अच्छे से सब कुछ देखा है वैसे तो, डिस्पैच और थ्रेड के बारे में सब कुछ, ठीक है, थ्रेड और क्यू के बारे में। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिस्पैच ग्रुप और डिस्पैच सेमाफोर, ये दोनों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो देखोगे ना नेक्स्ट वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बट ये इसलिए इसका यूज़ इसलिए होता है कि आप मल्टीपल जो टास्क रन कर रहे हैं ना उसको ट्रैक कर सकोगे कि भाई ये सब खत्म हो गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 4 टास्क थे वो गए, अभी ख़त्म हुए कि नहीं हुए। अभी कई बार ऐसा सीनरियो आएगा गाइस कि ये जो 4-5 जो भी टास्क है वो खत्म हो जाने के बाद दूसरा एक टास्क को हमें रन करना है, तो वो तो यार कैसे पता चलेगा अपने को। तो डिस्पैच ग्रुप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप ट्रैक कर सकते हो उसको। और डिस्पैच सेमाफोर है जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सेम ही थोड़ा पर्पस है बट थोड़ा अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है, ग्रुप जैसा ही है बट वो। तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा और श्योर मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दूंगा एकदम सिंपल बेसिक, जिससे आपको पता चल सके। और बस यही है, थ्रेड क्यू सब यही है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग और वो सब हमने जो इस वीडियो में देखा। और नेक्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था सिंक असिंक वो, हाँ प्लीज़ यार सिंक असिंक को क्लियर रखना क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो जो डिस्पैच ग्रुप में उसमें ज़्यादा वो आएगा वो, इसलिए। बाकी तो सब सही है गाइज, आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे डिस्पैच क्यू ग्रुप बना, सॉरी क्यूएस को कैसे बनाना है, कंकरेंट को कैसे देना है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा है गाइज तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और या तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसे ही साथ में रहना और सब्सक्राइब करना, और बस इतना तक रखते हैं और दूसरा तो कुछ नहीं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक करके जाना यार और अच्छे से कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलती है यार आपको, आप जो सपोर्ट देते हो मैं पढ़ता हूँ मैं कि आपको इतना हेल्पफुल हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं इतनी एफर्ट दे रहा हूँ तो चलो वो कहीं पे काम आ रही है सबको, तो बस ऐसा खुश हो जाता हूँ। तो बस मोटिवेट मेरे को करते रहना और बस इतने तक रखते हैं अभी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और ऐसे अच्छे ही टॉपिक्स लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।